अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का रुकन नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नेशनल सेविंग्स ने दोबारा से अपनी जो रेट्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो चेंज कर दिए हुए हैं। उसमें कितनी तब्दीली आई है, कौन कौन से रेट ज़्यादा हुए हैं, कौन से कम हुए हैं, सारी तफसील मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, 19 मार्च 2024 में ये रेट्स अपडेट हुए हैं। तकरीबन पिछले 2 महीनों से जो है वो कंटिन्यूसली रेट्स तब्दील होते जा रहे हैं। जनवरी में तब्दील हुए, फिर फरवरी में तब्दील हुए, और अब जो है वो 19 मार्च 2024 में तब्दील हो गए हैं। मैं वन बाय वन आपको सारों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूँ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, और तीसरा है जी शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इन तीनों के रेट्स जो हैं वो सेम ही हैं। इसके ऊपर ना तो कोई ज़कात है और ना ही कोई टैक्स एप्लीकेबल है। इनके रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जी, ये है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों के रेट्स सेम ही है। पहले 15.36% थे। 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको हर महीने 1280 रुपये मिल रहे थे, जिसके ऊपर कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी थी। अब वो 15.36% से बढ़ा के 15.60% कर दिए गए हैं, यानी कि 1280 से बढ़ा के 20 रुपये महीने के प्रॉफिट में इजाफा कर दिया गया है। 1300 रुपये अब आपको हर 1 लाख के ऊपर आपको हर महीने 1300 रुपये मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई टैक्स वगैरह की कटिंग नहीं है, तो यही आपकी एक्चुअल अमाउंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दोनों के रेट्स भी सेम ही हैं। इन दोनों के रेट्स में कोई तब्दीली नहीं आई है। 20.50% के हिसाब से ही जो है वो ये इसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाएगा महाना बेसिस पे। जैसा कि मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ, ये देखें, तब से अब तक जो है वो इन दोनों के अकाउंट में, सीसा और सेविंग अकाउंट दोनों के अकाउंट में 20.50% और अब तक ये यही है। 30 अक्टूबर 2023 से यही चले आ रहे हैं और यही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके रेट में क्या तब्दीली आई है। अच्छा, इस दफा जो इन्होंने रेट्स अपडेट किए हैं, साथ ही इन्होंने सारी की सारी कैलकुलेशन भी करके दे दी है। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के, जैसा कि आप जानते हैं कि आप 10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, आप 1 साल में भी निकलवा सकते हैं, 2 साल में भी निकलवा सकते हैं, 3 साल में भी, लेकिन मैक्सिमम ये 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको रेट्स बता देती हूँ। मैंने पिछली जो फरवरी और जनवरी में रेट चेंज हुए थे, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 21 फेब और यानी कि पिछले महीने जो रेट्स हैं और इस महीने जो रेट्स हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 10वें साल का रेट है, पहले 260% था, अब 260% से इनहेंस करके 263% कर दिया, यानी कि 260% से बढ़ा के 263% कर दिया है। ये आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ऐड ही है। इसके ऊपर टैक्स भी कट होगा, यानी कि अगर आप पहले साल निकलवाते हैं तो वो 12% आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर फाइलर हैं तो 15% लेस होगा, नॉन फाइलर हैं तो 30% लेस होगा। यानी कि 12,000 का 15% आप फाइलर हैं तो 12,000 का 15% लेंगे और वो लेस करेंगे। 1 लाख आपकी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 12,000 आपका प्रॉफिट है। इसी तरीके से ये दूसरे तीसरे चौथे साल कंटिन्यूसली है, जिसके अंदर एक लाख आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है और बाकी आपका प्रॉफिट है। आपने जो टैक्स कट करना है वो प्रॉफिट की अमाउंट में से करना है, 1 लाख में से नहीं करना। मैं आपको 10वें साल का कैलकुलेट करके बता देती हूँ। जैसा कि बाकी सारा सेम है, सिर्फ जो ये आखिरी साल है यानी कि 3,63,000, 263% इसके ऊपर प्रॉफिट है, यानी कि 2,63,000 इसमें प्रॉफिट है और 1 लाख की आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन गाइड कर देती हूँ। 10वें साल जो आपका प्रॉफिट रेट है वो 2,63,000 है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने 15% लेस करना है अगर आप फाइलर हैं, यानी कि 39,450 आप लेस करेंगे। 2,63,000 के प्रॉफिट में से जब आप 39,450 लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,23,550। अब इसमें आप 1 लाख अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड करेंगे, यानी कि टोटल जो आपको मिलेगा वो 3,23,550 होगा, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के लिए आप 2,63,000 में से 30% लेस करेंगे या फिर 39,450 जो है वो मज़ीद लेस कर देंगे, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,84,100 सारे टैक्स की कटिंग के बाद, ठीक है। इसमें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1,00,000
तो ये टोटल आपको मिलेंगे 2,84,100। होपफुली आपको समझ आ गई होगी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के प्रॉफिट रेट्स की। नेक्स्ट सर्वर इस्लामिक टर्म अकाउंट के ये प्रॉफिट रेट मैं बता देती हूँ। ये इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने सेपरेटली डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है कि ये कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, वो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। इसके रेट्स चेक कर लेते हैं। सीटा के सीटा बेसिकली होता है क्या है, ये इनकी इस्लामिक प्रोडक्ट है। आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको सालाना बेसिस पे ये प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए ये फिक्स करवाते हैं तो आपको हर 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप 5 साल के लिए फिक्स करवाते हैं तो आपको हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रेट बता देती हूँ। पहले जो इसका रेट था वो जो है पहले, यानी कि 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18.54% था, और वो अब भी यही है 18.54% या 18,540 आपको 1 साल के बाद 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। और अब भी यानी कि 19 मार्च 2024 में जो रेट है अब भी वही है। बाकी अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो है वो रेट बढ़ाए गए हैं। पहले जो है वो आपको 6 महीने का प्रॉफिट 7,600 मिलता था, अब 7,625 मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको महाना बेसिस पर प्रॉफिट मिलता है, तो पहले जो था इसका पहले जो था अब भी वही है, सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ यानी कि 3 साल की इन्वेस्टमेंट वाला चेंज हुआ है, बाकी सारा सेम ही है। पहले भी 7,380 मिलता था, यानी कि जो पिछले महीने अपडेट हुआ था, और अब भी 7,380 है हर महीने 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप 5 साल के लिए फिक्स करवाते हैं। इसके ऊपर आपने ज़कात और टैक्स दोनों एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के रेट्स, और इसके जो है वो मैं लेटेस्ट रेट्स आपको बता देती हूँ। पहले जो है वो 14.64% था, अब वो बढ़ा के 14.76% कर दिया गया है। 10 रुपये का इजाफा किया गया है महाना प्रॉफिट में। 1220 पहले दिया जा रहा था 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना बेसिस पे, अब 1230 रुपये है। ठीक है, RIC के ऊपर जो है वो ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट में दो रह गए हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 3 साल की इन्वेस्टमेंट होती है और हर 6 महीने के बाद आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। तो इसका जो प्रॉफिट रेट है वो पहले जो 5 या 6 महीने होते हैं वो उसमें आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा 15.60% से बढ़ा के 15.80% कर दिया गया है, यानी कि 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 7,900 रुपये अब आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा जो लास्ट 6th मंथ है, यानी कि जो आखिरी छमाही है, उसमें जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। पहले भी 8,300 था और अब भी 8,300 रुपये ही आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिलेगा। इसके ऊपर भी ज़कात और टैक्स दोनों एप्लीकेबल है। आपने इस प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर से अपना टैक्स अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि फाइलर या नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली कट करना है। अब लास्ट रह गया है वो हम चेक कर लेते हैं। ये है जी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ये इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ये आप 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी अमाउंट फिक्स करवाना चाहते हैं कम टेन्योर के लिए, तो ये उसके लिए आपके नेशनल सेविंग सेंटर की तरफ से ये प्रोडक्ट ऑफर की गई है। 19 मार्च 2024 में जो रेट अपडेट हुए हैं इस में जो है वो नुमाया कमी आई है। सिर्फ यही है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स जिसमें कमी आई है, बाकी सारों के मुनाफा रेट्स जो हैं या तो सेम है और या फिर बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो इसका मुनाफा रेट था फेब के महीने में 1992% था, यानी कि 4,980 रुपये आपको 3 महीने का प्रॉफिट मिलता था अगर आप 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जो कि अब कम करके 4,850 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप 6 महीने की करवाते हैं तो वो 9,950 से कम करके 9,690 कर दिया गया है। 9,690 आपका 6 महीने का प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो वो भी 19.76% से कम करके 19% कर दिया गया है। 19,760 रुपये से कम करके 19,000 रुपये अब आपको 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा अगर आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख की अमाउंट के ऊपर। इसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टैक्स एप्लीकेबल होगा। टैक्स आपको 15% और 30% फाइलर और नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली कट करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।